साधारण सी साड़ी, चेहरे पर झुर्रियाँ एवं बिना चप्पल वाली ये महिला भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान पद्मश्री लेने जा रही है। सचमुच ये दृश्य अद्भुत एवं अविस्मरणीय है। इनको दिया गया सम्मान समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति को सम्मानित करता है जो जाने अनजाने में देश के लिए न जाने कितना कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर कौन है ये महिला और क्यों है आजकल ये इतने चर्चा में? तो दोस्तों चलिए जानते हैं, परंतु उससे पहले आपसे एक प्यार भरा अनुरोध, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर रखें कि किस विषय पे आपको वीडियोस चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली यह महिला मशहूर भारतीय पर्यावरणविद श्रीमती तुलसी गौड़ा है। ये अब तक 1 लाख से भी अधिक वृक्ष लगा चुकी है। ये होनाली गांव, जो कि अंकुला तालुका कर्नाटक में है, वहां रहती है। इनका जन्म 1944 में हक्काली जनजाति परिवार में होनाली गांव उत्तर कन्नड़ा कर्नाटक में हुआ था। इनका परिवार अत्यंत ही गरीब था। ये सिर्फ 2 साल की थी जब इनके पिताजी का देहांत हो गया। हालात के भंवर में फंसकर इन्हें अपने माँ के साथ दैनिक मजदूर के रूप में अपने पास की एक नर्सरी में काम करना पड़ा। इसके कारण इनकी शिक्षा भी बिल्कुल ना हो सकी। लोग कहते हैं कि 10 से 12 साल की आयु में ही इनकी शादी गोविंद गौड़ा नाम के व्यक्ति से करा दी गई। 50 साल की उम्र में इनके पति ने भी इनका साथ छोड़ दिया, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। नर्सरी में इनका कार्य बीजों की देखभाल करना था, जो कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उगाए जाते थे। वे 35 साल तक इस नर्सरी में दिल जान लगा करके काम करती रहीं। इसके बाद इनके कार्य के प्रति समर्पण की भावना एवं वनस्पति विज्ञान के अथाह ज्ञान के सागर को देखते हुए इनकी नौकरी को स्थायी कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह स्थायी होकर उन्होंने 15 साल और कार्य किया। अब भी 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले चुकी है। उनके कार्य को देखते हुए 1986 में उन्हें प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, 1999 में कर्नाटक राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड और 26 जनवरी 2020 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उन्हें जंगलों के बारे में इतना ज्ञान है कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये किसी भी प्रजाति के वृक्षों के मातृवृक्ष को आसानी से पहचान लेती है। इन्हें बीजों को इकट्ठा करने में महारत हासिल है। दोस्तों, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। बीजों को इकट्ठा करने का अर्थ है कि इनके मातृवृक्ष बीजों को उस समय इकट्ठा करना जब इनके फलने का अर्थात जर्मिनेट होने का समय सबसे उपयुक्त होता है। किस वृक्ष को कितना पानी देना है, कौन सा वृक्ष का क्या कार्य है, इन सब में इन्हें महारत हासिल है। जब इनसे पूछा गया कि उन्हें इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तो वो बड़ी ही विनम्रता से कहती है कि उन्हें जंगल की भाषा आती है, वे जंगलों और वनस्पतियों से बात कर सकती हैं। तो दोस्तों, सचमुच तुलसी गौड़ा ने आज देश को गर्वित किया है। इस बूढ़ी उम्र में भी जब लोग अपने घर में दुबके रहते हैं, वे आज भी पर्यावरण को बचाने में लगी हुई है। और वो कहती है कि वो अंतिम समय तक भी अपना कार्य बड़ी ही सुगमता से करती रहेंगी। दोस्तों, हमें भी उनसे कुछ बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।